अच्छा कश्मीर लैनी है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर बॉय रणामर, आई होप यू आर ऑल वेल। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। दिस इज द सेकंड डे ऑफ माय सीरीज। तो मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर की हम जो सीरीज बनाने जा रहे हैं वीडियोस की, एक लंबी लाइन कतार। तो आज का जो मौसम है वो बहुत ज्यादा कमाल का है। इस तरह का मौसम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कभी धूप निकल आती है, कभी बादल छा जाते हैं। तो टुडेज वेदर इज वेरी गुड। तो सूरज बिल्कुल बादलों के नीचे आ चुका है इस वक्त, और इस तरफ जो है वो बादल नहीं है और इधर भी नहीं है, लेकिन इस तरफ सूरज के ऊपर बादल है। तो ये बहुत ही कमाल का हमारे लिए सीन है। तो जैसा कि पिछली वीडियोस में हम अर्ज कर चुके हैं कि हमारे जो अहवाल हैं वो क्वारंटीना में बहुत बुरे हो चुके हैं। हमारी दाढ़ी खत करवाने वाला हो गया है, तो आज लगता है वो पाक दिन आ गया जब हम पाक होंगे। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हजाम घर पे बुला लिए, भाई क्या वो कटिंग कर रहे हैं, अभी मुझे भी उधर जाना है और कटिंग करवानी है। कटिंग नहीं करवाऊंगा वैसे, मैं बाल मेरे बिल्कुल ठीक हैं, बालों को ईद पे देखा जाएगा। अभी खत करवाते हैं, दाढ़ी बहुत बड़ी हुई है भाई, थोड़ा स्टाइल वगैरह में आते हैं और अपने पिछले स्टाइल में आते हैं। क्या हम बुज़ुर्ग टाइप नज़र आ रहे हैं अभी आपको? बुज़ुर्ग नहीं हुए अभी हम। Days have been getting harder, falling apart. जी तो भाई लोग लग रहा होना चाहिए साहब भी। यार वैसे मुझे बहुत पसंद आया आज दाढ़ी का स्टाइल, पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो देसी स्टाइल में आपको पता है जैसे पेंडे पेंडू लोग जैसे कटिंग करवाते हैं, जैसे खत करते हैं, वैसे वीआईपी वाले हमाम में नहीं जाते भाई लोग। ये हमारा पेंडू हमाम जो है वही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो माशाल्लाह मुझे तो बहुत प्यारी लगी है, अगर आपको प्यारी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह जो प्लान है भाई, प्लान पर पूरा अमल करते हैं। आज हमारा फर्स्ट डे है बॉर्डर की जो वीडियो बनानी है सीरीज़ का आज पहला दिन है हमारा। तो निकलते हैं भाई, अभी मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बाल वगैरह सेट कर लिए, मुँह वगैरह धो लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना भाई। नहा लिए पहले मैंने, खत करवाने से पहले मैं नहा के मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया था। तो अभी मेरे साथ दो लौंडे हैं, उनको मैंने साथ लेना, बाइक पर बैठना और सीधा बॉर्डर पे। आधे घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए हैं जहां पे, जिस लोकेशन पे हमें आज आना था। तो मेरे ख्याल में मेरा चेहरा आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो लोकेशन ये है जी, चारवा सेक्टर है। आपने काफ़ी बार खबरों में सुना होगा, अक्सर यहाँ पे फायरिंग होती है, जब भी मार्टर के शेलिंग वगैरह होती है यहाँ पे अक्सर केसेस निकलते हैं। तो इस वक्त हम हमारे जो इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे बिल्कुल ये पाकिस्तान इंडिया का टावर नज़र आ रहे हैं, दोनों बिल्कुल नज़दीक। इससे आगे जाएंगे तो हमें पकड़ लेंगे वो, इसलिए हम इलीगल काम कर रहे हैं थोड़ा सा, उनसे इजाज़त नहीं ली हमने, तो इसलिए थोड़ा सेफ़ रह के वीडियो बनाई जा रही है। और काफ़ी अच्छा व्यू है क्योंकि इधर यहाँ पर दो टावर पाकिस्तान का और एक इंडिया का, और इंडिया का जो टावर है वो सेंटर में है और पाकिस्तान के जो टावर थे उन्होंने घेरा हुआ है, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। तो अभी इंशाल्लाह अगली साइड पे चले हैं हम। आपने सुना होगा चंबलियाल दरबार का नाम, उस दरबार के करीब से काफ़ी अच्छा नज़ारा है बॉर्डर का, और उम्मीद है कि वहाँ पर हमें बॉर्डर के करीब भी जाना देंगे। तो चलते हैं इंशाल्लाह। तो भाई लोग निकलने लगे हैं इधर से, क्योंकि ये रास्ता सीधा इंडिया में जाता है, कहीं हमारे लौंडे जो इंडिया को निकल जाएँ, इसलिए हमें जल्दी से इधर से निकलना है। चारवा सेक्टर के अंदर हैदर पोस्ट है, ये रंगोर गांव के अंदर वहाँ पे मौजूद है, और यहाँ से जो बॉर्डर का व्यू बहुत ही कमाल का है। और यहाँ पे दो अंकल मौजूद हैं, उनसे हम इंटरव्यू लेते हैं, तो उनसे पूछते हैं क्या हालात है। इंडिया नहीं पुत्र, ऐ कश्मीर जम्मू कश्मीर तनाजा इलाका। अच्छा अच्छा, ऐ जड़ा ना जिन्ना कठुए तक तनाजा इलाका है सारा ही। रामगढ़
कश्मीर लैनी है चलो इंशाल्लाह वाड़ी छड़ियां मुक लैंदा इंशाल्लाह। जहाँ पे हम खड़े हैं ये सेकंड नहर है, इसके आगे आखिरी नहर है और अभी हम इसके ऊपर चले हैं क्योंकि इससे आगे वाली के ऊपर चढ़ना जो मना है, जो कि हमने इलीगली कोई काम नहीं करना क्योंकि लीगल रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आ जाएं फिर ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे ये सीन है कि ये मेरी राइट साइड पर बिल्कुल सामने मेरी आंखों के सामने इंडियन टावर नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन मैं उसके करीब जाके वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि कोई पता नहीं होता पूरे वक्त का। इस तरफ लोग काम लगे हुए हैं, अभी गंदम का काम भी इधर रहता है लेकिन हमारी साइड पे जो वो गंदम का काम ख़त्म हो गया और इस नहर में शायद ये गांव का जो वेस्ट वाटर है वो डाला हुआ है। बस भाई लोग आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि रोज़े चल रहे हैं आपको पता है, इसलिए ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं हो रहा भाई हमसे। हम करना चाहते हैं लेकिन हमको रोज़ा लग जाता है भाई। अभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और रोज़ा खुलने में तकरीबन 20 मिनट रह गए हैं और अभी घर पहुँचे हैं। तो रोड जो है तो वो एक तो मेन रोड था वो बहुत ज़्यादा साफ बिल्कुल क्लीन था और दूसरा जो अंदर वाली साइड पर हम गए थे अगली साइड पर तो उधर एक रोड कच्चा था और सोल वगैरह लगा हुआ था और वहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि जंप लग लग के ना तो पूरी बॉडी हिल जाती है। तो इसलिए तो आई होप को आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आई होप कि आपको आने वाली वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से जो मेरा हौसला है ना वो बुलंद होता है भाई, और कमेंट करने से तो वैसे ही कह लें कि एनर्जी आती है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचेगी और जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाइएगा क्योंकि वो दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप हर वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।